नमस्ते, वेलकम बैक टू रेडी विद रेखा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और मैं और मीशी और पारस जा रहे हैं आज घूमने बंगला साहब दिल्ली के, क्योंकि मेरी फ्रेंड आई है झारखंड से, माय बेस्ट फ्रेंड आई है झारखंड से। तो मुझे याद है जहाँ तक स्कूलिंग टाइम के बाद, हम आज 10 साल बाद लगभग इस तरह से एक साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। स्कूलिंग नहीं, कॉलेज टाइम के बाद हम 10 साल बाद लगभग इस तरह से एक साथ होंगे। उससे पहले फ़ोन पर बातें होती रहती हैं, एक दो बार बीच में भी मिले हैं, लेकिन आज पहली बार हम इस तरह से जा रहे हैं। और हम वहाँ बस स्टैंड पहुँच गए, यहाँ बैठ के हम अपना जो है अपनी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं कि वो अब आने वाली है, बट वो अभी तक आई नहीं है। आ गई, फिर उसके बाद हमने ऑटो किया, फटाफट हम यहाँ बंगला साहब पहुँच गए। यहाँ पर पहुँच के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। उसके बच्चे आए हैं तीनों, दो बेटी हैं एक बेटा है। हमारी एक और फ्रेंड आई है, इसके भी मैरिज नहीं हुई है, होने वाली है। और बहुत बच्चों ने इंजॉय किया, बहुत सारी हमने पुरानी बातें की, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। और ये बंगला साहब में इस तरह की एक गाड़ी होती है कि अगर जिस किसी को भी चलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे ये इस तरह से अंदर तक लेके जाते हैं। और यहाँ हम अंदर पहुँचने के बाद हमने बच्चों के सारे जूते चप्पल और अपनी सैंडल्स उतार के यहाँ सेफली रख दी, क्योंकि अंदर गुरुद्वारे में इस तरह से चप्पल पहन के जाना अच्छा नहीं लगता, अलाउड भी नहीं है। और सभी ने मास्क पहन रखे हैं, सैनिटाइजिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बाद हम यहाँ बच्चों के साथ अंदर एंटर हुए, हम गुरुद्वारे के अंदर गए जहाँ पर पाठ चल रहा था। सीरियसली अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा शांति है। सभी एकदम चुप होकर बैठ गए, अपने अपने प्रॉब्लम्स अपने अपने मन में अपने अपने तरीके से अपने वाहेगुरु से बोल रहे हैं। सर, हमें इतनी प्रेयर आती नहीं है क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, क्योंकि हम कोई ये सब पता नहीं है। लेकिन हाँ, अपने तरीके से हमने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ली। और आई होप कि जो भी है उसके लिए पूरे विश्वास के साथ हमें यकीन है कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और बाहर आकर हमने ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये सरोवर है कहते हैं, ये बहुत ही शुद्ध जल है यहाँ का। और कहा जाता है कि अगर किसी को भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है अगर, तो एक बार वो यहाँ नहा ले तो उसको प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जैसे कोई भी जैसे शरीर में स्किन प्रॉब्लम होती है कुछ इस तरह से, तो कहते हैं वो दूर हो जाती है। तो सभी ने इस जल को हाथ में लेकर मुंह धोया, थोड़ा थोड़ा टच किया, और बहुत बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फ़िश भी हैं, ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, बड़ी बड़ी फ़िश हैं, छोटी नहीं है। देखो आपको दिखाई भी दे रही है, और बच्चे बहुत खुश हैं। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, क्या बताऊँ, ऐसा मौका था कि हम लोग बस बातों में ही लगे हुए थे और हमारे पास इतनी सारी बातें थी कि हमारे लिए समय कम पड़ गया। आप जब भी हम यहाँ से फ्री हो रहे हैं बंगला साहब के बाद, फिर उसके बाद हमें जाना है चर्च। ये बंगला साहब के नियर बाई है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं बंगला साहब आए हैं उन्हें पता है कि बंगला साहब के बिल्कुल ही साथ में ही चर्च है। उसके बाद हमें चर्च जाना है, बच्चे जिद कर रहे हैं कि चर्च देखना है, चर्च जाने की तैयारी होगी इसके बाद। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ चुके थे, बच्चों को पूरा पूरा जो है अंदर का हम जाके आ चुके हैं और अब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बार बार बच्चे बार बार सरोवर की तरफ भाग रहे हैं फिश के चक्कर में ना, इन्हें और कहीं अच्छा ही नहीं लग रहा। मीशू, पारस, फ्रेंड के बच्चे, फिर भी हम इनको यहाँ खींच के लाए। हम लंगर की तरफ आ गए, हमने कढ़ी चावल खाया, सबसे ज़्यादा सुकून यहीं मिला आकर, क्योंकि यहाँ देखने को मिला सेवा भाव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट कर दें।